मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ टीचर्स। बिफोर दिस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल डिस्कस। ओके, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ टीचर्स, फर्स्ट वी नो ईथर ग्रुप सफिक्स नेम एल्कॉक्सी। सफिक्स नेम एल्कॉक्सी मीन्स इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन। एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, इसका नाम क्या होता है? एल्कॉक्सी। अब आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3O CH3, ये ईथर ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड। CH3O CH3 कॉमन नेम की बात की जाए, इसका कॉमन नेम क्या है? डाई मेथिल ईथर। दोनों साइड क्या है? सेम ग्रुप है, CH3 एंड CH3, तो द कॉमन नेम इज डाई मेथिल ईथर। ओके, एंड आई के सी इफ वी काउंट द कार्बन, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, दैट इज वन। But in between this carbon, oxygen is present, so we cannot count the total number of carbon atoms. Only carbon is one longest chain, that is from this side and also this side. So longest chain of carbon is one, and one carbon, so the name of the root word is meth. That is meth. अब हम किसी एक को मेथ में काउंट कर लिए, तो जो बचा एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ जब अटैच होगा तो इसका नाम क्या होगा? मेथ प्लस ऑक्सीजन। मेथ प्लस ऑक्सी नाम हो गया क्या? मेथा। मेथ प्लस ऑक्सी नाम इसका क्या हो गया? मेथॉक्सी। ऐसे ही एक प्लस ऑक्सी नाम इसका क्या हो जाएगा बेटा? एथॉक्सी। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। ओके, ये मेथ एक जो नाम है, ये किसका दिया गया? एल्काइल ग्रुप के नंबर ऑफ कार्बन का। और यहां पे जो मेथ लिखा गया है, ये किसका है? ये आपका लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड सब में है, ओपन करेंगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। मेथ प्लस एन हो गया मेथेन। और पहले से प्रीफिक्स यूज होगा, बताया था कि जब भी यूज होता है तो सफिक्स इसका नाम एल्कॉक्सी, और यही सफिक्स इसका क्या बन जाता है बाद में? प्रीफिक्स यूज होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेटा क्या? प्रीफिक्स में मेथॉक्सी। क्या होगा? मेथॉक्सी। मेथ प्लस ऑक्सीजन नाम हो गया मेथॉक्सी। अब ये मेथॉक्सी किस नंबर पे जुड़ा है? किस कार्बन से? पहले कार्बन से कार्बन ये काउंट किया गया, इसका नाम हो गया वन मेथॉक्सी मेथेन। हम काउंट कर देंगे क्या नाम होगा इसका? वन मेथॉक्सी मेथेन। वन मेथॉक्सी मेथेन इज द आईयूपीएसी नेम। ये सभी कौन से नाम है जो मैं लिख रहा हूं? आईयूपीएसी। ओके, और नीचे जो लिखा गया कंपाउंड की, ये कैसा नाम है इसका? ये इसका कौन सा नाम है बेटा? कॉमन। सेकेंड एग्जाम्पल C2H5O C2H5। यहाँ भी वही फर्स्ट की काउंट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, इसमें देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों साइड में दो दो कार्बन मिल गए, लेकिन पूरा कार्बन फोर नहीं हुआ क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है। सो द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज टू, सो द रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एट। और सभी में सिंगल बॉन्ड है, आप जान रहे हैं एच प्लस एन। और क्या होगा यहाँ पे? अब एक अगर ये चला गया आपका इस साइड को, कार्बन यहाँ काउंट किया गया दो है, तो यहाँ कितना? वन और टू है, पहले वाले कार्बन से अटैच हुआ होगा। अगर हम इसको ओपन कर दें तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, क्या होता है? एथॉक्सी। तो नाम क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। दो कार्बन है, एथॉक्सी किस नंबर से? पहले वाले से है, तो नाम हो गया वन एथॉक्सी एथेन। अब इसी पे जब हम काउंट करेंगे पूरा, तो नाम आ गया क्या? वन एथॉक्सी
थे, समझ में आया? वन इज ऑप्शन ए थ्री। थर्ड एग्जाम्पल सी एस थ्री ओ सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री। फिर से वही आपको अपने तीन भाग में ही देखने के बाद पी आर प्लस एस यही देखना है। पी मीन्स प्रीफिक्स हो गया, आर मीन्स रूट वर्ड हो गया, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सफिक्स में दो होते हैं, एक आपका होता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड दूसरा आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ही इसमें मिलेगा, सेकेंडरी सफिक्स आपका यूज हो गया क्या प्रीफिक्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन काउंट कीजिए, इस साइड एक है वन, इस साइड कितने वन टू थ्री तीन है, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन किस साइड से मिल रहा है, राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड केवल एक ही है, तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को हम काउंट कर लेंगे रूट वर्ड में। तो जब रूट वर्ड में हम काउंट करेंगे तो यहाँ कितने हो जाए तीन, तीन से क्या होगा ग्रुप, ग्रुप प्लस क्या होगा सभी सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, और इसी कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से, उस कार्बन के दो हाइड्रोजन उससे सिंगल बॉन्ड से, नेक्स्ट वाला कार्बन इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से, और इससे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड से। ओपन स्ट्रक्चर कर लीजिएगा, और इस कार्बन से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, और वही ऑक्सीजन अगले वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड से है, और वो कार्बन भी तीन हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड। तो हम देखें इस पूरे कंपाउंड में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है, मतलब यहाँ पे जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो क्या होगा बेटा एन, बताया था सिंगल बॉन्ड होगा एन। तो यहाँ से आपको नाम पता चल गया प्रोपेन, लेकिन प्रीफिक्स इसमें क्या है, क्योंकि इतना ही हमने काउंट किया, जो बचा एल्काइल ग्रुप प्लस ऑक्सीजन, एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है एक, एक कार्बन के क्या नाम बोला था मेथ, मेथ के साथ क्या है ऑक्सीजन, तो मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी नाम यहाँ पे क्या आ गया मेथॉक्सी, मेथॉक्सी किस नंबर के मेथॉक्सी जुड़ा है, इस पहले वाले ऑक्सीजन से ही जुड़ा है, इसका नाम क्या हो गया पहले वाले कार्बन से जुड़ा है, नाम हो गया क्या वन मेथॉक्सी ओके ओके वन मेथॉक्सी ओके वन मेथॉक्सी प्रोपेन इज द एसी नेम ऑफ मेथिल एन प्रोपिलीन, इसका कॉमन नेम क्या था मेथिल एन प्रोपिलीन। अब मेथिल तो आप समझे मेथिल था, और प्रोपिल वन टू थ्री तीन कार्बन थे, प्रोपिल एल्काइल ग्रुप था, काउंट करते हैं प्रोपिल में कितना होता है सी थ्री एस सेवन, सी थ्री एस सेवन देखिए सही है, वन टू थ्री तीन कार्बन हो गए, हाइड्रोजन सेवन होने चाहिए, काउंट किया टू एंड टू फोर फोर थ्री सेवन ओके। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है एन, एन मीन्स नंबर इसका इंक्रीज कर रहा है, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो बढ़ भी सकता है ना, सी एस थ्री ओ सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू देखते देखते इंक्रीज होता जाएगा, नहीं आपको बढ़ाते चलिए सी एस थ्री से एक हाइड्रोजन नंबर बढ़ता जाएगा, इसीलिए लिख दिया गया क्या यार, तो मेथिल एन प्रोपिलीथर इसका कॉमन नेम ऑफ इस कंपाउंड आर यू सी नेम इज वन मेथॉक्सी ओके। ये ऑलरेडी आपका जूम ऐप पे बनाया जा चुका है। लास्ट कंपाउंड चलते हैं C6H5OCS3। अब ये क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं C6H5OCS3, तो यहाँ देखिए दोनों डिफरेंट है, बताया था जब सेम जुड़ते हैं तो सिमेट्रिकल ईथर, जब डिफरेंट जुड़ते हैं तो क्या होता है मिक्स ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये देखिए दोनों ग्रुप सेम थे ऑक्सीजन से जुड़े हुए, यहाँ पे ये दोनों सेम थे सिमेट्रिकल, दोनों सेम थे सिमेट्रिकल, दोनों क्या थे डिफरेंट थे, इस साइड में थे इस साइड प्रोपिल अनसिमेट्रिकल, इस साइड दोनों क्या थे डिफरेंट है CH3 और C6H5 अनसिमेट्रिकल। ईथर्स आर टू टाइप्स ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास डिस्कस, सिमेट्रिकल ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर अननोन है सिंपल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर अननोन है मिक्स ईथर ओके। तो यहां देखिए अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है, अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो लिखा क्या गया है मेथिल फेनिल ईथर, या इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं एनिसॉल, एनिसॉल कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जी, एलर्जी जब हो जाती है उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसमें एनिसॉल होता है ओके। तो यहाँ पे थे C6H5OCS3 मेथिल फेनिल ईथर, कैसे इसका नाम क्यों मेथिल रखा गया, पहले हम फेनिल भी तो रख सकते थे, हम बोल सकते थे फेनिल मेथिल ईथर,
लेकिन नहीं, क्योंकि अल्फाबेट कला डाई में रखा गया है, पहले अल्फाबेट में एम आएगा तब पी आएगा, सो मेथिल एनिल, अंडरस्टैंड कॉमन नेम। आज एसी क्या होगा, आज एसी जब इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बातें आप देख रहे हो, वैसे भी इस साइड कितने का आइटम है, और इस साइड कितने हैं, सिक्स है, सिक्स का आइटम है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये वाला हो गया, और इस वाले का सी सिक्स एच फाइव आया कहाँ से है, आपको पता है सी सिक्स एच फाइव जो आया है वो क्या है, एक बेंजीन, जब बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन कम किया गया है तो उसी से क्या आया है सी सिक्स एच फाइव, बेंजीन, बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम करने पे आया बेंजीन, जब एक हाइड्रोजन कम हुआ तो क्या बना, बेंजीन बना। अब इस बेंजीन का नाम आईपीसी नेम क्या होगा, ये तो ऑलरेडी बेंजीन है, नाम दिया ही गया है, तो ये तो हो गया, क्या होगा इसमें कुछ आपको नहीं करना है, इसका नाम पहले से प्रीफिक्स में रूट वर्ड में रख देंगे, क्या बेंजीन, क्या हो गया बेंजीन, बेंजीन हो गया, और बेंजीन के साथ क्या प्रीफिक्स पूरा, प्रीफिक्स आपका जुड़ा क्या, अब ये बेंजीन मेन का आइटम हो गया, तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया, एक मेथिल ग्रुप है तो मेथ हो गया, ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी, अब यहाँ पे आपने लिख दिया क्या मेथॉक्सी, मेथॉक्सी बेंजीन बना, लेकिन ये मेथॉक्सी किस कार्बन से जुड़ा, जब भी जुड़ेगा इसके पहले कार्बन से ही जुड़ेगा, नाम इसका हो गया वन मेथॉक्सी बेंजीन, वन मेथॉक्सी बेंजीन, वन मेथॉक्सी बेंजीन इज द आईपीसी नेम ऑफ एनिसा, ये काफी पूछा गया क्वेश्चन, वन मेथॉक्सी बेंजीन इज द आईपीसी नेम ऑफ एनिसा, तो इसके और भी कंपाउंड आपके बुक में दिए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं है तो उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके okay?